हाय गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आज मैं लेके आई हूँ एक और नया ट्यूटोरियल। उसके लिए हमें ये दो रंग चाहिए। ये दो रंग से हम बैग बनाएंगे। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने वेयर ऑलरेडी कट करके रखी हूँ। ये वेयर 7.5 फीट है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी वेयर कट करके रखी हूँ, आप देख सकते हो। यहाँ पे येलो भी कट करके रखी हूँ। अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे। चलो अब हम बनाते हैं बैग। आप देख सकते हो ये रनिंग वेयर है। इसको फ़िलहाल आपको कट नहीं करना है। और जो मैंने कट करके रखी थी ये वेयर 7.5 फीट है। आप देख सकते हो ये रनिंग वेयर है। यहाँ से ये रनिंग वेयर है, फ़िलहाल आपको कट नहीं करना है। आप देख सकते हो रनिंग वेयर यहाँ से निकाल के जो मैंने आगे 7.5 कट किया था, तो उसको ऐसे फोल्ड कर लेना है बराबर करके। यहाँ पे आप देख सकते हो बराबर करके यहाँ पे ऐसे फोल्ड कर लेना है। फिर जो ये रनिंग वेयर को लेके यहाँ पे बराबर करके आपको मेजरमेंट करना है। मेजरमेंट करके यहाँ पे ये इसको छोटा करके रख देना है आपको, इतना लेके, वरना आपको ऐसे वेस्ट हो जाएंगे। इसीलिए मैं बोल रही हूँ इसको थोड़ा छोटा रख देना है, इसको थोड़ा लंबा आप बुन सकते हो। ये रनिंग वेयर है, फिलहाल आपको कट नहीं करना है रनिंग वेयर। ये इसको लेके अब हम बनाएंगे। और मैं बार बार बोलती हूँ आप लोगों को, ये रनिंग वेयर को हमेशा राइट तरफ रखना है, लेफ्ट तरफ नहीं। अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हो ये रनिंग वेयर है, ये रनिंग वेयर है। मैंने कट नहीं किया। मैं बार बार बोलती हूँ आप लोगों को रनिंग वेयर कट मत करना, क्योंकि रनिंग वेयर से सब नोट बनते हैं। नोट बन के कंप्लीट होने के बाद आप कट कर सकते हो रनिंग वेयर को। कैसे कट करना है मैं दिखाती हूँ। और मैं बार बार बोलती हूँ ये रनिंग वेयर को हमेशा राइट तरफ रखना है आपको, लेफ्ट तरफ नहीं। ऐसे रख के आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे मैंने जो मेजरमेंट किया ये यहाँ पे है। और जो रनिंग वेयर है ये आप देख सकते हो इधर है रनिंग वेयर, मैंने कट नहीं किया इसको। रनिंग वेयर को राइट तरफ रख के आपको बनाना है हमेशा। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे फोल्ड कर दिया ऑलरेडी मेजरमेंट करके। अब हम बनाएंगे। अब ऐसे लेना है आपको, ये आप देख सकते हो। फिर ये भी मैंने बराबर कर लिया येलो भी, तो अब इसमें ऐसे करके आपको बनाना है। ये रनिंग वेयर है, राइट तरफ है, और जो मेजरमेंट किया ये लेफ्ट तरफ है। इसको ऐसे लेना है, इसको लेके फिर ये येलो को लेके इसका बीच में, इसका बीच में आप देख सकते हो इसका बीच में डाल देना है। यहाँ पे डाल के ऐसा निकाल देना है। फिर आप इसको ऐसे लेके आपको टाइट करना है। आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसे बन गए। अब इसको बनाने के बाद, इसको बनाने के बाद फिर आपको इसको देखना है ये दोनों सेम है या नहीं। यहाँ पे सेम नहीं है, तो आप इसको ऐसे करके बराबर करके इधर में कहाँ पे छोटा लंबा है वो देख के आप इसमें मिला लेना है। ये थोड़ा लंबा है तो आप इसको लेके ऐसे कर लेना है, थोड़ा लूज करके ऐसे करके आपको टाइट करना है। फिर आप देख सकते हो बराबर हुआ या नहीं। आप देख सकते हो बराबर हो गए। तो ऐसे करके आपको बनाते जाना है, नोट बनाते जाना है। ये रनिंग वेयर है, आप देख सकते हो। फिर आप ये जो मैंने बना के रखी हूँ ये जो सिंपल नोट है, पर्स में आपको सिंपल नोट बना लेना है। उसके बाद फिर जो अभी मैं नेक्स्ट बना के दिखाऊँगी वो उसका डिजाइन अलग है, उसको आपको अलग तरीका से बनाना है। उसको बोलते हैं सिमेंट कट नोट। आप देख सकते हो आपको ऐसे रख लेना है पर्स,
इसका नीचे आप देख सकते हो, रख लेना है ऐसे रख के। फिर आप ये रनिंग वेयर को लेके आपको ऐसे एस कर लेना है ऐसे टाइप का, रस्सी को आप देख सकते हैं ऐसे करके आप इसको ऐसे डाल देना यहाँ पे ऐसे इसके अंदर, इसके लूप के अंदर डाल देना है। उसके बाद इसको लेके फिर ये वेयर को लेके आपको इसका अंदर यहाँ लूप में डाल देना है, इसके लूप में डाल देना है। फिर आपको निकालना है, इसको निकाल के आपको बराबर कर लेना है। आप देख सकते हो ऐसे करके टाइट कर लेना है, आप देख सकते हो ऐसा। अब आप देख सकते हो ऐसा आ जाएंगे जब आप ऐसे बनाएंगे। इसको बोलते हैं सीमेंट का नोट। अब मैंने यहाँ पे दो येल्लो डाल दिया, यहाँ पे बेसिक नोट बनाया, यहाँ पे सीमेंट का नोट बनाया, और अभी यहाँ पे फिर बेसिक नोट बनाएंगे। यहाँ पे बेसिक नोट के लिए आपको ऐसे लेना है, फिर इसको लेके यहाँ पे ऐसा डाल देना है, फिर ऐसे करके आपको यहाँ पे ऐसा करके ये वेयर को लेना है, लेके यहाँ पे डाल देना है। आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसे बन गए, यहाँ पे दो येलो और यहाँ पे और एक ब्लू आएंगे तो दो हो जाएंगे। फिर अभी यहाँ पे सीमेंट का नोट बनाना है, उसके लिए ऐसे लेना है आपको, फिर एस बना लेना है। एस बना के फिर इसको नहीं लेना है आपको, ये रस्सी को, ये जो पीछे है इसको, ये वेयर को लेना है, लेके आपको ये इसका अंदर डाल देना है, ये रूप के अंदर आप देख सकते हो, यहाँ पे डाल के आपको निकाल देना है ऐसा करके आपको बनाना है। अभी आप देख सकते हो येलो दो आ गए, ब्लू दो आ गए। अब फिर हमें येलो लेके फिर यहाँ पे नोट बनाना है। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे बना लिया, येलो दो ब्लू दो, येलो दो ब्लू दो बना लिया। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया वैसे ही आपको बनाते जाना है यहाँ पे ऐसे। आपको ऐसे बनाते जाना है, कुछ करना नहीं है, बस एक बेसिक नोट बनाना है, फिर एक सीमेंट का नोट बनाते जाना है, और कुछ नहीं है। बनाने का प्रोसेस सेम है, जैसे मैंने आपको बना के दिखाया वैसे बनाते जाना है आपको। अभी बेसिक बनाया मैंने, बेसिक नोट बनाया, फिर आपको सीमेंट का नोट बनाया है। इसके बाद येल्लो लेके वैसे करके आपको पूरा नोट बना के कंप्लीट करना है। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे सब नोट बना के कंप्लीट कर दिया। तो यहाँ पे मैंने 24 नोट डाला, येलो दो ब्लू दो करके यहाँ पे मैंने 24 नोट्स बनाया। यहाँ पे 24 नोट्स बना के मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद ये रनिंग वेयर है, यहाँ पे मैंने बना के ख़त्म किया था, तो ये रनिंग वेयर है, उसको अभी कट करना है। अभी इसको आप ये साइड का लेके, जो आगे मेजरमेंट किया था ये साइड का लेके आपको यहाँ पे इसे बराबर करके आपको ऐसे करके यहाँ पे इसे करके, मैंने देखो ऑलरेडी कट करके रखी हूँ, आपको कट कर देना है रनिंग वेयर कट करके, फिर से यहाँ पे रनिंग वेयर लेके, मैंने रनिंग वेयर ले लिया, रनिंग वेयर लेके यहाँ से आपको फिर नेक्स्ट स्टेप बनाएंगे हम यहाँ से। उसके लिए हमें यहाँ ये जो
ये रस्सी को, ये वेयर को यहाँ से मेजरमेंट कर लेना है, बराबर करके ऐसे मेजरमेंट करके आपको यहाँ पे ऐसा करके ऐसे करके आपको यहाँ पे नोट बनाना है। आप यहाँ देख रहे हो यहाँ पे फिनिशिंग अच्छा नहीं है, ये मतलब बनाते बनाते खोल जाते हैं, कोई बात नहीं, जब आप ही बनाते जाएंगे तो फिनिशिंग आ जाएंगे, तो ऐसे लूज़ हो जाते हैं, तो कोई बात नहीं, बनाते जाएंगे फिनिशिंग आ जाएंगे। तो अब इसके लिए पार्ट्स मैंने आगे ये लाइन पे बेसिक नोट बनाया था यहाँ पे, तो अभी ये पार्ट्स में आपको बेसिक नोट नहीं बनाना है, यहाँ पे आपको सीमेंट कार्ड नोट बनाना है। उसके लिए आपको ये वेयर को लेना है, ये वेयर को लेके आपको ऐसे कर लेना है, ऐसे रख देना, आप देख सकते हो ऐसा करके रख के फिर ये रनिंग वेयर को लेके फिर आपको ऐसे एस बना लेना है, जैसे मैंने आगे बताए थे ऐसे एस बना के फिर आपको ये वेयर को यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे डाल के ऐसे टाइट करना है। अब आप देख सकते हो अब ये एक नोट बन गए। उसके बाद फिर नेक्स्ट ये वेयर को ये वाला इसको फिर बेसिक नोट बनाना है ऐसे। चेंज करके बनाते जाना है ऐसा करके। अब फिर आपको सीमेंट का नोट बनाना है आपको। अब इसको यहाँ से निकल के ऐसे करके आपको ले लेना है, फिर इसको ऐसे करके यहाँ डाल देना है, ऐसा करके फिर इसको यहाँ पे डाल देना है आपको, फिर टाइट करना है। आप देख सकते हो अब ये भी हो गए। फिर नेक्स्ट आपको बेसिक नोट बनाना है, नॉर्मल नोट जो हम बैग में बनाते हैं वही बनाना है, बस कुछ करना नहीं है, सेम प्रोसेस है, एक बेसिक नोट बनाना है, एक सीमेंट का नोट बनाना है, ऐसे करके आपको यहाँ पे पूरा कंप्लीट करके जाना है। फिर यहाँ पे लास्ट में जहाँ मैंने आगे यहाँ पे जो मेजरमेंट किया था इसको फिर लेके या कंप्लीट करके उसके बाद मेजरमेंट करके आपको कट कर देना है। तो यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, ये जो हमने शुरू किया था फर्स्ट स्टेप शुरू किया था, तो ये रस्सी को आपको ऐसे बांध के रख देना है, नोट बना के आपको रख देना है ताकि आपको कंफ्यूज ना हो, क्योंकि बाद में यहाँ भी बनाएंगे फिर इधर ये साइड में भी बनाएंगे तो ये बीच में रहेंगे, तो आपको समझ में आएंगे कि ये बीच में है, ये रस्सी बांध देंगे, तो इसीलिए आपको ये बांध के रख देना है। तो फिर मैं पूरा कंप्लीट करके बना के आपको दिखाती हूँ। अब आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे बेस बना के कंप्लीट कर दिया, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे भी दो कलर ब्लू येलो ब्लू करके मैंने यहाँ पे भी, यहाँ पे जिसे बनाए थे वैसे यहाँ बेस में भी ऐसे कलर डाल के बना दिया, और आगे यहाँ पे मैंने बन के रखे थे वो आप देख सकते हो बीच में, ये साइड पे 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये मिला के 5 10 हो गए यहाँ पे देख सकते हो। अब हम फिर नेक्स्ट स्टेप बनाएंगे। मैंने बेस बना लिया, तो अब इसके लिए ये कॉर्नर बनाने के लिए 4 कॉर्नर साइड 1 2 3 4
ये अभी बनाने के लिए आपको ये कॉर्नर में चार कॉर्नर बनाने के लिए आपको इसमें डालने के लिए चार वेयर चाहिए। यहाँ पे एक दो तीन चार करके आपको चार वेयर कट करना है। चार वेयर कट करके यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कॉर्नर में डालना है वेयर, एक्स्ट्रा वेयर एक इधर एक डालना है और इधर एक, और यहाँ पे भी डालना है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाल के बना दिया और ये साइड में भी मैंने डाल के ऑलरेडी बना दिया। तो आप इसके लिए आपको चार वेयर कट करना है। तो इसके लिए यहाँ पे आपको ये रस्सी लिए वेयर लेके मेजरमेंट करना है। ये वेयर लेके आपको मेजरमेंट करके थोड़ा एक्स्ट्रा लेके कट कर देना है, इतना एक्स्ट्रा लेके, क्योंकि ये एक्स्ट्रा इसका अंदर यहाँ पे डाल देंगे। कट करके आपको यहाँ पे डाल देना है, ये कॉर्नर का लास्ट कॉर्नर का ये बीच में डाल देना है आपको। इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे डाल के आपको बनाना है। थोड़ा कट कर देते हैं तो अंदर डालने में इजी रहता है, इसीलिए आप ऐसे कट करके यहाँ पे डाल देना। ऐसे डाल के आप अभी देख सकते हो अभी ऐसे आ गए। तो यहाँ से ये बनाने का प्रोसेस तो सेम है जैसे यहाँ पे बनाए थे बेस, वैसे यहाँ पे भी बनाना है आपको। बस मैंने यहाँ पे दूसरा कलर डाल दिया, यहाँ पे आप जो भी कलर डाल सकते हो या फिर यही जो येलो और ब्लू डाल के भी आप कंटिन्यू कर सकते हो। मेरा वेयर रस्सी कम हो रहे थे इसीलिए मैंने यहाँ पे ये दूसरे कलर डाल के मैं बना रही हूँ। अभी जो हमने ये एक्स्ट्रा यहाँ पे डाला था अब ये बनाएंगे। अभी जो मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा डाला था यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो रस्सी एक्स्ट्रा डाली थी उसको अभी लेके यहाँ पे बनाएंगे। मैंने यहाँ पे बना लिया।
फिर आप इसे बनाते जाना है। आपको चार साइड में डालना है आपको, एक एक वेयर कॉर्नर में। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे, बाद में बनाते बनाते यहाँ पे फिनिशिंग सही आ जाएंगे। फिलहाल ऐसे फिर ऐसे बनाते जाना है यहाँ पे। इसके बाद ये लास्ट कॉर्नर में आप देख सकते हो, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। तो आप ये साइड में भी यहाँ पे बीच में यहाँ पे वेयर डाल देना है आपको, जैसे मैंने आगे डाली थी वैसे यहाँ पे डाल के, इसे डाल के जैसे मैंने यहाँ पे बनाई वैसे बनाना है आपको यहाँ पे। वैसे बना के यहाँ पूरा यहाँ बना के आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बना दिया, वैसे बनाते जाना है। यहाँ पे मैंने सब बना लिया, चार कॉर्नर बना लिया। ये आप देख सकते हो, ये पहले मैंने यहाँ से शुरू किया था, ये लास्ट है, ये कॉर्नर है, यहाँ से मैंने शुरू किया था। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, तो आप यहाँ से मैंने पूरा राउंड बना के फिर यहाँ पे अभी कंप्लीट कर देना है इसको। बना के दिखाती हूँ, अब ये आप देख सकते हो, इसको ऐसे रख देना है पास में, फिनिशिंग करना नहीं है। अब ये इसको लेके इसको आप ऐसे खोल देना है, लूज करके ऐसे खोल के ये वेयर ऊपर होना है, नीचे नहीं, ऊपर होना चाहिए ये वेयर। यहाँ पे डाल देंगे, यहाँ डाल के ये जो वेयर है ये वेयर को लेके आपको इधर इसके बीच में डाल देना है, इसके इसे बीच में डाल के निकाल देना है, फिर आपको इसको टाइट कर लेना है। इसे टाइट कर देना है, आप देख सकते हो यहाँ पे। अब ये फिनिशिंग हो गए, अब फिर अभी ये रनिंग वेयर को लेके इसको, ये जो मैंने कट किया था इसको बाद में आपको ये अंदर डाल देना है, यहाँ पे फिनिशिंग कर देना है इसके अंदर। और जो ये रनिंग वेयर है इसको लेके, ये बनाना नहीं है फिलहाल, एक गैप छोड़ के आपको बनाना है। ऐसे करके आपको बनाते जाना है फिलहाल। बनाने का तरीका सेम है, बस मैं मेन पॉइंट दिखा रही हूँ कहाँ पे क्या करना है, बाकी सब जैसे मैंने बनाए थे वैसे सब
बनाना है, बनाते जाना है आपको। ये राउंड कंप्लीट होने के बाद फिर अभी जो मैंने आपको फिनिशिंग करके दिखाए थे वैसे करके फिनिशिंग करना है और ऐसे राउंड राउंड करके बनाते जाना है पूरा कंप्लीट करके। फिर यहाँ पे मैंने जैसे फिनिशिंग किया था वैसे करते जाना है। कलर तो आप जो मर्जी आपका इच्छा है आप जो भी डाल सकते हो, वो तो आपका ऊपर डिपेंड होता है। चलो ठीक है, फिर अब हम बना के नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने दो लाइन कंप्लीट कर दिया। यहाँ पे अब दो लाइन कंप्लीट करके अभी ये इसको कट कर दूँगी। आपको यहाँ पे डालना है कट करके, देख सकते हो यहाँ थोड़ा इसको लूज़ कर देना है, फिर आप आराम से डाल सकते हो। यहाँ पे मैंने डाल दिया, देख सकते हो यहाँ पे इसे डाल के फिर टाइट कर देना है आपको। टाइट करके इसके अंदर आपको फिनिशिंग कर देना है। इसको यहाँ डाल के इधर ऐसे डाल के यहाँ अंदर डाल के फिनिशिंग कर देना है। अब रनिंग वेयर लेके यहाँ पे फिर मैं ये ब्लू डाल दूँगी। अब स्टार्ट कहीं से भी कर सकते हो पार्ट्स में। बाद में इसको फिनिशिंग कर देना है इधर अंदर डाल के। अब कुछ नहीं करना है आपको, पूरा ये ग्रीन डाल ब्लू डाल के आपको पूरा बनाते जाना है, फूल कंप्लीट करना है बना के ऊपर तक जैसे मैंने बनाया अभी, जैसे मैं अभी बना रही हूँ वैसे पूरा बनाते जाना है ऐसे करके पूरा ये ग्रीन डाल के, ये रनिंग वेयर ये ब्लू डाल के पूरा बैग बनाना है आपको, तब जाके आपको डिजाइन मिलेंगे। अब ये यहाँ पे दूसरा कलर डालना नहीं है आपको, ये ब्लू को ही डाल के पूरा बैग बना के कंप्लीट करना है। अब ऐसे ही पूरा बना के आपको कंप्लीट करना है। अभी पूरा ऊपर तक आपको जैसे मैंने बनाया वैसे प्रोसेस में आपको पूरा बैग बना के कंप्लीट करना है। अब ये रस्सी वेयर को रनिंग वेयर को चेंज नहीं करना है, ये रनिंग वेयर लेके आपको पूरा बैग बनाना है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने इतना बना लिया। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ब्लू से बना के यहाँ पूरा यहाँ से पूरा कंप्लीट किया मैंने। फिर आपको वैसे बनाते जाना है, आपको कितना हाइट चाहिए उसका हिसाब से आपको बनाना है। मैंने इतना बना लिया, फिर ये ब्लू एयर लेके आपको बनाते जाना है आपको कितना हाइट में चाहिए।
यहाँ पे मैंने शुरू किया, यहाँ से शुरू करके यहाँ पे मैंने कंप्लीट नहीं किया। आपको यहाँ से पूरा बना के कंप्लीट करके यहाँ पे पहले जैसे मैंने दिखाए थे वैसे यहाँ पे डाल के इसका अंदर डाल के आपको पूरा कंप्लीट करने के बाद आपको फिनिशिंग करना है। ऐसा रहना नहीं चाहिए। तो फिनिशिंग कैसे करते मैं दिखाती हूँ। ऐसा लेके इसको टाइट कर लेना है। ऐसे करके आप देख सकते हैं यहाँ पे अंदर ऐसे रहते हैं। तो आपको अच्छे से ये टाइट करके उसके बाद इसके अंदर डाल देना है। आपको फिनिशिंग करने के लिए इसको थोड़ा कट करना है साइड से, तब फिनिशिंग करने में अच्छा रहता है, इजी रहता है। ऐसे करके आपको फिनिशिंग कर लेना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बन गए। फिर इसको भी इस लेके टाइट करके इसको भी लेके यहाँ पे फिनिशिंग कर देना है। बस सबको ऐसे करके फिनिशिंग करके कंप्लीट करके आपको बैग का हैंडल बनाना है। आप हैंडल बनाने के लिए आप मेरी दूसरी वीडियो पे भी देख सकते हो हैंडल बनाने के लिए। यहाँ पे मैं हैंडल बना के नहीं दिखा रही हूँ, तो आप मेरा दूसरी वीडियो में देख सकते हो हैंडल कैसे बनाते। देख सकते हो यहाँ पे बन गए। वैसे आपको सबको जैसे यहाँ पे मैंने बना के दिखाया वैसे बना के सबको कंप्लीट करके फिनिशिंग कर लेना है। अभी आप देख सकते हो डिजाइन अभी निकल गए, कितना अच्छा लग रहा है। बस आगे मैं इसीलिए दिखा रही थी आपको कि कैसे फिनिशिंग किया जाता है। इसको मैं फिर और बनाऊंगी, मुझे जितना हाइट चाहिए उतना आप भी बना सकते हो। आपको कितना हाइट चाहिए उसका हिसाब से आप बना सकते हो। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो। आप देख सकते हो ये बेस है यहाँ पे। मैंने स्टार्टिंग में कहा था आपको दो रोल चाहिए ये बैग बनाने के लिए, उसके लिए सॉरी यहाँ पे दो रोल नहीं है, यहाँ पे आपको ये बैग बनाने के लिए तीन रोल चाहिए। आपको ये ब्लू दो रोल चाहिए प्लास्टिक का वेयर दो रोल चाहिए, उसके बाद ये येलो एक रोल, तीन रोल चाहिए आपको ये बैग बनाने के लिए। तो आप तीन रोल लेके ये बैग बना लेना। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट्स कर देना, कमेंट्स कर सकते हो आप कुछ भी। और आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।